Welcome back to my channel. This is Sukhmani Kaur Sodhi. I'm a numerologist, a tarot card reader and a life designer. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे. तो आज का जो टॉपिक है रीडिंग का वो ये है कि आपके पार्टनर, आपके जो भी लव इंटरेस्ट हैं, वो इस टाइम पे कैसा फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इस वक्त, वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, क्या फील कर रहे हैं. मेरी जो वीडियोस होती हैं, जितनी भी रीडिंग्स होती हैं, वो टाइमलेस होती हैं. तो जब भी इस रीडिंग को देखें तो इसमें आपका मैसेज डेफिनेटली होगा. आप ये ना सोचें कि ये बहुत पहले अपलोड कर दी गई थी और अब आपके लिए शायद ये है या नहीं है. ऐसा नहीं होता, टाइमलेस होती है. जब आपको जो चीज़ मिलनी होती है वो तभी मिलती है, राइट? और गाइज, मैं रिक्वेस्ट करूँगी जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें. वो एनर्जी एक्सचेंज जो है वो बन जाता है और आपकी रीडिंग्स जो है वो रेजोनेट होती हैं. तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें चैनल को. और लाइक तो एक बनता ही है गाइज, तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर दें अगर वीडियो पसंद आएगी तो. कॉमेंट करके मुझे बताएं कितनी रीडिंग आपसे ये रेजोनेट हुई है, क्या आप फील करते हैं इस रीडिंग के बारे में, मैं जानना चाहूंगी. तो अब हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग्स होती हैं, अगर आप पर्सनल स्लॉट बुक करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी मैंशन होती हैं, यहाँ पे भी मैं मैंशन कर दूंगी. और साथ ही साथ अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो हमारे बैचेस चल रहे हैं, तो आप इनरोल कर सकते हैं. उसकी डिटेल्स के लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं. ओके गाइस, तो आज का टॉपिक है कि आपके जो भी पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, कैसा फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, आपको क्या बताना चाहते हैं, कैसी इनकी एनर्जी है इस टाइम पे, हम वो चेक करने वाले हैं. सो स्टे पॉजिटिव. इस वीडियो को पॉज कर प्रे भी कर सकते हैं अपने पर्सन के बारे में. सोचें बहुत अच्छी अच्छी बातें, सोचें पॉजिटिव रहें और प्रे करें गॉड से कि आपको आपके राइट आंसर मिले. अपने पर्सन के बारे में आप सोचें और उनको ध्यान करके ये स्टार्ट करें जिनके लिए भी आप ये रीडिंग ले रहे हैं. ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड लेट्स स्टार्ट. क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की इस वक्त, आपसे क्या कहना चाहते हैं, कैसा फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, क्या चल रहा है उनके मन में. नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज द फर्स्ट कार्ड हियर. Ten of Pentacles again, Pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn energy आ गई है हमारे पास यहाँ पे. Knight of Swords आ गया है हमारे पास यहाँ पे. Gemini, Libra, Aquarius energy. Again, Gemini, Libra, Aquarius, Page of Swords, Ace of Wands भी आ गया है हमारे पास यहाँ पे. Aries, Leo, Sagittarius, Cups energy आ गई है हमारे पास. Five of Cups आ गया है हमारे पास. Cancer, Scorpio, Pisces energy and then again Air sign. ओके, तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पे. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. ओके, तो ये हमारे कार्ड्स आ गए हैं. अब हम यहाँ पे चेक करना, हमारा क्वेश्चन जैसे आज का टॉपिक था कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं. सबसे पहली बात यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगी, देखिए ये चीज यहाँ पे ये भी बोलना चाहूंगी, जो आपके पर्सन है वो हो सकता है एज डिफरेंस हो, आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आप लोगों का, ठीक है. उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी अटेंशन उनसे हटती जा रही है, ठीक है. आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और ही है, आपकी एनर्जी कहीं और ही है, आप उन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आप इस रिश्ते पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आप उनको लेके सीरियस नहीं हैं. ऐसी एनर्जी उनको फील होती है कि आपने इस रिलेशनशिप से मन हटा लिया है, आपका आप डाइवर्टेड दिख रहे हैं उनको, इस तरीके की एनर्जी वो फील कर रहे हैं.
ठीक है, और साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी कद्र नहीं करते हैं, आप केयरलेस हैं इस रिश्ते को लेके, इतने सीरियस नहीं हैं आप, आपका ध्यान कहीं और ही रहता है, आप किसी और ही एनर्जी में उनको दिख रहे हैं, ऐसा उनको यहाँ पे फील हो रहा है प्रेजेंटली, वो ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में, एज इन करंटली उनकी ये फीलिंग्स हैं, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे अटेंशन दो, मुझे वो प्यार दो, मुझे वो केयर दो जो मुझे, मुझको जिसकी ज़रूरत है, क्योंकि इस इंसान को बहुत पैम्पर कर रखो, इसको इसको प्यार कर रखो, इसको इतना बेबी की तरह रखो तो वो खुश रहता है, ठीक है, जो भी रहता है या रहती है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ओके। और यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि उनका जो ध्यान, सबसे बड़ी बात उनको ऐसा लगता है कि आप उन पे अटेंशन नहीं देते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। तो वो आपसे आपकी अटेंशन मांगने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, उनको ऐसा ये चीज़ फील होती है आप उनकी कद्र नहीं करते, ठीक है, आप उनको वैल्यू नहीं करते, उनकी इम्पोर्टेंस नहीं है। साथ ही साथ उनको ये भी लग रहा है कि आप इम्पोर्टेंस, आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं रिश्ते के अंदर, ठीक है, इतने एफर्ट्स नहीं है आपके साथ, सब कुछ इतना अच्छा है, फिर कहाँ कमी आ जाती है। उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत एफर्ट्स करते हैं और आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, आप इतने ज़्यादा ट्राई नहीं कर रहे हैं, आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, आपकी एनर्जी बहुत केयरलेस है इस रिश्ते को लेकर, आप सीरियस नहीं है, ये सब बातें वो फील कर रहे हैं अभी इस टाइम के ऊपर, ठीक है, कि आपके लिए रिश्ता एक महज मजाक था और शायद आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, अपने ही धुन में चले जा रहे हैं, ठीक है। उनको लगता है जिस तरीके से आप चीजें कर रहे हैं उससे शायद ये रिलेशनशिप कहीं पे जा नहीं रहा, आप जिस तरीके से चीजें कर रहे हैं ना, उनको वो आपका अंदाज पसंद नहीं आ रहा है, उनको वो चीज आपकी पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। ये सब चीजें वो सोच रहे हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है इंसान, ऐसी क्या बात है, ठीक है। उनका कहने का बेसिकली यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप थोड़े एफर्ट्स डालें, ठीक है, आपकी तरफ से वो थोड़े एफर्ट्स डालना चाहते हैं, और उनको ना बहुत अफसोस है, उनको उनको रिग्रेट है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि आपको जैसे उन्होंने खो दिया है, उनको ऐसा लगता है कि आप चले गए हैं, क्योंकि ना आपके हिसाब से आपकी तरफ से वो एफर्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, ना आपकी तरफ से वो एनर्जी है, वो सीरियस वाली एनर्जी भी नहीं है, केयरलेस एटीट्यूड, आप उनकी कद्र भी नहीं कर रहे हैं, और उनको लग रहा है उनका जैसे कि लॉस हो गया कोई, ठीक है। वी हैव दिस फाइव ऑफ कप्स हियर, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एनर्जी, ठीक है, और यहाँ पर उनको लग रहा है कि उनका हाथ से कुछ चले गया है, उनके हाथ से कुछ गुम गया है, कोई पछतावा, इंसान कैसे खड़ा हुआ है, ठीक है, तो एक पछतावा उनको है, और उनको ऐसा लगता है कि वो बस उसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, मे बी आपके पिछले दिनों में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ हो, ठीक है, कुछ इस तरीके की आपने दो चार बातें उनको बोल दी हो कि जिसकी वजह से वो उसी पे फोकस कर रहे हैं, उनका सारा फोकस उधर ही है, वो आपकी आप जितने इतना कुछ करते हैं उनके लिए, उस एनर्जी को वो नहीं देख रहे हैं, अब वो इसी चीज़ को, क्योंकि ये इंसान, मुझे ये चैनल मैसेज आ रहा है, क्योंकि ये इंसान ऐसा है कि जिसको जो कलेक्टिवली नहीं सोचता, एज इन जो पूरी पिक्चर नहीं देखता है, हाँ वो पूरी पिक्चर नहीं देखता है, वो सिर्फ ये देखता है कि अभी क्या हुआ, चाहे आपने पहले या बाद में बहुत सी चीजें करी हैं उसके लिए, बट उसको वो नहीं देखना, उसको ये देखना है कि अभी क्या करा इसने मेरे साथ, बाकी की सारी बातों को वो इग्नोर कर देगा, बाकी की सारी बातों को वो जाने देगा, वो अब का देखेगा कि अब इसने मेरे साथ क्या करा, जबकि वो एक्शन, जो कहते हैं ना एक्शन का रिएक्शन देते हो आप, बट उसको लगता है इसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, अरे फर्स्ट प्लेस में वो तो चेक करो कि आपने ऐसा उनको मजबूर किया है करने पे, राइट। तो वो नहीं सोचता ये इंसान, ये मुझे इंसान जो है ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बड़ा इमेच्योर एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, पर अब इस टाइम के ऊपर इनको रियलाइज होने लगा है और ये थोड़ा सा ना चीजों को समझने लगे हैं, थोड़ा सा ना अब ये बैलेंस करने की कोशिश जो है मुझे यहाँ पे दिख रही है, अब ये थोड़ा सा मैच्योरिटी से भी सोचने लगे हैं, जब से ये सब आपकी लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम चलने लगी ना, तब से ये सोचने लगे हैं चीज़ों के बारे में कि नहीं ऐसा नहीं, मुझे थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ेगा, बट ये इंसान को बिल्कुल रोको टोको ना, इसको जैसे करना है वैसे इसको करने दो, तो ही इज़ हैप्पी और शी इज़ हैप्पी, बट अगर आप इनको बोलोगे, और आप भी सिमिलरली ऐसे हो कि आपको भी ज़्यादा किसी की ज़्यादा बकबक पसंद नहीं है,
ठीक है, अभी एनर्जी तो ऐसी दिख रही है आप लोगों की कि ऐसा हो गया कि मैं भी नहीं करूंगा, तुम नहीं कर रहे तो मैं भी नहीं करूंगा। मतलब अब आपको झुकना नहीं है, आप भी अपने एक स्पेस में अब रहना चाहते हो। अब आप वो वाला नहीं कर रहे हो कि मुझे देना ही देना है, करना ही करना है, करना है। आपका माइंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो दोनों तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी अड़ गए हो, वो भी अड़ गए हैं, और उनको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लॉस फील हो रहा है, जैसे उनके हाथ से कुछ चला गया है, कुछ चला जाएगा। बहुत परेशान मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी अफसोस है चीज़ों का, काफ़ी पछतावे में मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो इंसान, ठीक है। और वो आपसे बोलना चाहते हैं कि काश तुम थोड़ा सा और कर लेते, थोड़ा सा और एफर्ट्स डाल देते, सब कुछ अच्छा ही था, हम कुछ कदम दूर थे, यू नो, तो थोड़ा सा और कर लेते, थोड़ा सा और प्यार, थोड़ा सा और कंसर्न, तो शायद फैमिली भी मान जाती। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे फैमिली इश्यूज हो, ठीक है, पर वो अपने एंड से कन्विंस कर रहे हैं अपनी फैमिली को कि चीज़ें ठीक हो जाएं आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो और हो सकता है कहीं ना कहीं उस एरिया में वो वर्क करना चाह रहे हैं और वो कोशिश भी कर रहे हैं उनको बनाने का, और वो शायद मानते हुए भी मुझे दिख रहे हैं उसकी फैमिली, ठीक है, मानते हुए भी दिख रही है फैमिली। तो मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि वो एफर्ट्स कर रहे हैं, वो अपनी साइड से कर रहे हैं, बट उनको अब ऐसा लग रहा है कि आपकी एफर्ट्स की ज़रूरत है, आप एफर्ट्स नहीं कर रहे, आप उन पे इतना ज़्यादा उनको प्यार नहीं दे रहे हैं जिसकी उनको ज़रूरत है। एक न्यू बिगिनिंग भी इस रिश्ते की वो करना चाहते हैं, वो चाहते हैं प्रपोजल लेकर आपके साथ आपके पास आए, कुछ एक्शन हो, अब रियल टर्म्स में एक्शन हो, अभी तक आप सोच रहे थे, बट यहाँ पे अब मुझे ना कुछ चेंजेस आते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर। ओके, एक 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 न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं वो आपसे, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं आपके साइड से, अब वो एफर्ट्स चाह रहे हैं, तो ये उनकी एनर्जी है। और वो आपसे प्यार चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप उनको प्यार करो, एफर्ट्स करो, उन पे ध्यान दो, अटेंशन इनको बहुत पसंद है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना, हमेशा इनसे पूछो, इनसे पूछते रहो, इनको प्यार करते रहो, इंपॉर्टेंस देते रहो, तो ये इंसान बहुत खुश हैं, ठीक है। वो आपकी तरफ जो है वो आना चाहते हैं, ठीक है, बट उनको लग रहा है शायद अब आपके पास जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप एफर्ट्स ही नहीं करोगे, अब आप कुछ कर ही नहीं करोगे ही नहीं, ठीक है। हो सकता है ये इंसान जो है हर्ट हो बहुत ज़्यादा, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो इस तरीके से, ये भी हो सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ शादी के बारे में भी, शादी को लेकर भी आप लोगों का कोई प्रॉब्लम हुआ हो, आपने इनको कमिटमेंट के बारे में बोला हो, बट ये इंसान अब शादी के बारे में सोचेंगे, ये इस तरीके से चीज़ें सोच रहे हैं। अगर मैं ये ना एनालाइज कर रहे हैं, अब सोच रहे हैं कि मैं करूँ, अगर मैं शादी करता हूँ तो सब ठीक रहेगा, ये मेरा स्टेप ठीक रहेगा, तो वो एक चीज़ों को ना समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट आपको बहुत मिस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उस एनर्जी में हैं कि मुझे छोड़ देगा या मुझे छोड़ देगी, ये चले जाएगी, लॉस हो गया है, पछतावा है इनको, इन्होंने मे बी आपको ऐसी कोई बातें बोल दी हो, कोई धोखा दिया हो, इस तरीके की चीज़ करी हो कि इनको रिग्रेट दिख रहा है मुझे, इन्होंने मे बी हो सकता है आप लोग का आर्ग्यूमेंट हुआ हो और इन्होंने आपसे बदतमीजी भी करी हो, कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। ओके, सो रोमांस एंजल से चेक करते हैं, रोमांस एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं इस रिश्ते के बारे में। रिलीजन, यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर्स का कार्ड आया है गाइज, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। तो यहाँ पे हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि कुछ फैमिली इश्यूज को रिलीजन इश्यूज भी आ गया, तो ये हो सकता है फैमिली इश्यूज इसी वजह से हो कि आप मे बी सेम कास्ट से, सेम कम्युनिटी से नहीं बिलोंग करते, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही हो। फ्लर्ट इज द अदर वन, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। आपको हो सकता है थोड़ा सा एक वो स्पार्क लाने की जरूरत है अपने रिश्ते के अंदर, ठीक है। It is safe for you to love. Very good. Open your heart to give and receive the highest energy of all. तो आप प्यार करें, बिल्कुल दिल से करें, आपके लिए बिल्कुल सेफ है, अपना दिल खोल के प्यार करें और प्यार लें, ठीक है, वो आपके लिए ठीक रहेगा, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को ना क्या कर रहे हैं, अब आपने कैसे उसमें जोन में डाल दिया है कि नहीं मैं अब इतना नहीं करूंगा, मैं ठीक है, आप अपना बैरियर बनाएं, अपने लिमिटेशन सेट करें,
कोई बात नहीं, बट आप प्यार करना ना छोड़ें। यहाँ पे बहुत लोग उब से गए हैं ऐसा मुझे लग रहा है कि बस अब उनको ख़त्म करना है हर चीज़, अब उनको उनको मूव ऑन करना है या वो उस रास्ते पे चल पड़े हैं। बट आपके लिए प्यार है, आप प्यार कर सकते हैं। ऐसा ना सोचें कि आप प्यार बना ही नहीं है आपके लिए, आपके लिए सेफ है प्यार करना, ये रिश्ता भी आपके लिए ठीक है, ऐसा डिसअपॉइंट ना हो। ट्रस्ट, ओके, ट्रस्ट आया है। दूसरा चौथा कार्ड आया है यहाँ पे, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। थोड़ा सा विश्वास रखें, जैसे इस कार्ड पे भी हमको वो चीज़ हुई है कि थोड़ा सा विश्वास रखने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ घबराने की बात नहीं है जितना आप घबरा रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम गाइडेंस कार्ड भी पिक करेंगे आपके लिए। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड आपको इस रिश्ते के लिए? कर्मा क्लेंजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। तो गाइज, जो भी आपकी लाइफ में ड्रामा है, कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है ऐसा कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में पड़े हुए हैं और उसी चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो आप उस ड्रामा से, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, ड्रामा क्रिएट हो रहा है, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपकी लव लाइफ के अंदर या वैसे भी आपकी लाइफ के अंदर, आप स्टक एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, उसी चीज़ के बारे में ना सोचते रहें, आगे बढ़ें, मूव फॉरवर्ड, अपना खुद का रास्ता बनाएं, अपने अपने ब्लॉकेजेस खुद क्रिएट करे हुए हैं, ठीक है। क्लेंस करें, कर्मा रिलीजिंग की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, इसको छोड़ के आगे बढ़ें और अपना रास्ता निकालें। आपका रास्ता आपको दिखेगा। अच्छी एनर्जी को चूज करें गाइज, पॉजिटिव एनर्जी को चूज करें, नेगेटिव एनर्जी में ना रहें। आप जितनी उस एनर्जी में रहेंगे चीज़ें उतनी रुकी हुई रहेंगी आपके लिए। ये मैसेज है, ये गाइडेंस है। तो आपको क्या करना है, पुरानी बातों को छोड़ के एक नया रास्ता बनाएं, उसकी जरूरत ज्यादा है, पुरानी बातों को ना लेकर रखें। ओके गाइज, अब हम इनिशियल देखने वाले हैं। इनिशियल्स क्या क्या है, आपके पर्सन का किस अल्फाबेट से नाम शुरू होता है, सरनेम शुरू हो सकता होता है, आपका भी हो सकता है इससे। ओके, फर्स्ट इज यू, देन वी हैव ओ, जे, एच, एस, आई, वाई, R, V, Z, C, W, P, Q, N, एंड फॉर नेस्ट एंड द लास्ट इज टी। ओके, ये हो गए आपके इनिशियल्स। आपके पर्सन के भी हो सकते हैं, ये इससे आपका भी नाम शुरू हो सकता है या उनका सरनेम भी हो सकता है इस अल्फाबेट से। ओके, अब हम गाइज यहाँ पे मैसेजेस देखने वाले हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ठीक है गाइज, हमने निकालनी है मैसेजेस, यहाँ पे मैं रख देती हूँ। द फर्स्ट इज, इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। हो सकता है गलती जो है उनकी हो, ऐसा उनको रियलाइजेशन हुआ है कि गलती उनकी थी पर उन्होंने आपको ब्लेम किया है, ठीक है। इस बात का भी उनको रिग्रेट हो सकता है, यहाँ पे रिग्रेट का भी कार्ड आया था ना। 2/11/20, 29, 2/11/20, 29 को उनका बर्थडे हो सकता है, आपका बर्थडे हो सकता है, या फिर आपकी एनिवर्सरी हो सकती है, या कुछ भी स्पेशल इम्पोर्टेंट इस डे को हुआ हो सकता है इस रिलेशनशिप को लेकर।
देन वी हैव हैप्पी एंडिंग, वेरी नाइस, एक अच्छी एंडिंग होगी इस रिश्ते की, सो डोंट वरी गाइज, स्टे पॉजिटिव. उसके बाद है आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, उनको फिर से वो सब बातें, वो सब चीज़ें, वो लम्हे वो फिर से जीना चाहते हैं, वो सब यू नो एक कनेक्शन जो आप लोगों का था दोनों के बीच का, वो फिर से उसको जीना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं. ओके, आई एम अफ्रेड टू लूज यू, उनको डर है कि वो आपको खो ना दे, जैसे मैंने आपको बताया उनको लग रहा है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं. ओके, व्हाट एल्स वी हैव, आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर. तो उनको ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने आपके साथ बहुत बदतमीजी करी है या कुछ इस तरीके से आपसे बुरा ट्रीटमेंट किया है, और वो आपसे कुछ अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते थे, आपको अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते थे, जो उन्होंने आपको नहीं दिया उसको, उनको इस चीज़ का भी पछतावा है, रिग्रेट है कि उन्होंने आपको अच्छे तरीके से नहीं ट्रीट किया. ओके, ब्यूटिफुल वाइफ, तो हो सकता है वो आपको आपकी वाइफ यू नो आप में एक अपनी वाइफ देखते हैं, आपको वाइफ बनाना चाहते हैं. ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आई है, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, वाइफ आया है, ग्रेट. मिसिंग योर वॉइस, वो आपकी आवाज़ मिस कर रहे हो सकता है, बहुत लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है यहाँ पे. हम मिलकर ही रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, अमेजिंग. तो उनको इस चीज़ के बारे में पता है, विश्वास है, पूरा उम्मीद है, एक होप है उनके मन में कि ये मिलके रहेंगे और न्यू बिगिनिंग होगी. यहाँ पे कार्ड भी आया था न्यू बिगिनिंग का, तो एक नई शुरुआत होगी और हम मिलकर ही रहेंगे, ऐसा उनको विश्वास है. ओके, फ्रेंड्स फॉरएवर, तो फ्रेंड्स फॉरएवर फॉरएवर आया है. हो सकता है आप लोग एक फ्रेंडशिप से शुरू हुआ हो और आपने हमेशा एक दूसरे को कहा हो कि हमेशा हम दोस्त रहेंगे. मुझे लगता भी है वो चाहते हैं कि आप दोस्त, एक दोस्ती आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर कभी ख़त्म ना हो, वो दोस्ती वो हमेशा रखना चाहते हैं. ओके, फैमिली इशूज़, तो फैमिली इशूज़ मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बोला था कोई फैमिली इशूज़ हो सकते हैं. ठीक है गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप यू लाइक इट. अगर आपको पसंद आई है गाइज तो प्लीज़ लाइक करें, एक लाइक तो बनता हो, प्लीज़ अभी लाइक कर दें रीडिंग, आई मीन इस वीडियो को, और आप सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करके मुझे बताएं. थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन, एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग मुझसे लेना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल, बाय बाय.